आखिर आंकड़ों से लड़ती क्यों है मोदी सरकार? अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की हालत बद से बदतर होती जा रही है, भूख सूचकांक में भारत बद से बदतर होता जा रहा है, वो साजिश है। अगर डॉलर के मुकाबले रुपए लगातार गिर रहा है, वो साजिश है, उस पर आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। एक तो मुद्दा ये होगा, दूसरा मुद्दा आपके सामने, आप देख सकते हैं कार्टून्स के जरिए राहुल गांधी पर अब भारतीय जनता पार्टी हमला बोल रही है। न सिर्फ हमला बोल रही है बल्कि उनकी मां का जिक्र भी कर रही है। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। खबर की गहराइयों को टटोलता है। मगर सबसे पहले दोस्तों हम आंकड़ों की बात करते हैं। आपके स्क्रीन्स पर आज सुबह 11 बजे जब मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप देख सकते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत है 82.35। जी हां, 80 के आंकड़े को रुपया न जाने कब पार कर चुका है, 82 तक पहुंच गया है। याद कीजिए, जब ये लोग विपक्ष में हुआ करते थे, यानी कि बीजेपी जब विपक्ष में हुआ करती थी, तब क्या क्या बातें किया करती थी। अमेरिका में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से पूछा गया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने क्या कहा, वित्त मंत्री ने कहा कि साहब रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। यानी कि हर चीज का इलाज मोदी सरकार के पास है, स्पिन डॉक्टर्स की कमी नहीं है इनके पास। पूरा मीडिया लग गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के इस बयान को जायज ठहराने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस वक्त विपक्ष का प्रचार तंत्र निर्मला सीतारमन के दो बयानों को आपस में जोड़ रहा है, तुलना कर रहा है। यानी कि जब निर्मला विपक्ष में थी, भाजपा की प्रवक्ता थी, तब वो क्या कहती थी और अब वो क्या कह रही हैं? दोनों बयान आप देखिए दोस्तों। The great sense of concern about the falling rupee. It is about to cross the 62 mark against the dollar. Indian economy and the state of affairs in the Indian economy are very clearly getting reflected in this falling value of rupee. First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening. मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये बयान तो आप देख चुके हैं, मगर जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे तब वो किस तरह की बातें कहते थे। सबसे पहले देखिए किस कदर उग्र होकर कह रहे हैं कि रुपया ऐसा ही नहीं गिरता दोस्तों, ये सरकार की नाकामी है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ना ना, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का रौद्र रूप देखिए। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे अगर नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। और बात यहां नहीं रुकी थी दोस्तों, याद कीजिए प्रधानमंत्री ने जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे यह भी कहा था, कभी कभी तो यह कह पाना मुश्किल हो जाता है कि डॉलर के मुकाबले रुपया ज्यादा तेजी से गिर रहा है या मनमोहन सिंह सरकार का स्तर। याद कीजिए क्या कहा था उन्होंने, सुनिए। रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। प्रधानमंत्री ने एक और बात कही थी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे कि जिस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, मुझे चिंता अपने व्यापारियों की है कि वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे, उनका धंधा तो चौपट हो जाएगा। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। मैं आज प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपने जो उस वक्त चिंता हमारे व्यापारियों के बारे में जाहिर की थी, आपकी वो चिंता अभी भी है या नहीं है? सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था।
जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाए। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? तो सुना आपने, यानी कि पहले इस तरह से बातें करना, अब उन आंकड़ों से लड़ना, और आंकड़ों से लगातार मोदी सरकार लड़ रही है दोस्तों। जी हां, भुखमरी को लेकर आंकड़े आए हैं, अब मोदी सरकार उसे देश के खिलाफ साजिश मान रही है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों साजिश कर रही है? दुनिया को आखिर हमसे क्या ईर्ष्या है? मतलब हर चीज में भारतीय जनता पार्टी खुद को विक्टिम क्यों बताना चाहती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीड़ित क्यों बताना चाहती है? सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भुखमरी को लेकर दरअसल खबर क्या है जो आपके स्क्रीन्स पर आ रही है। आयरलैंड और जर्मनी के गैर सरकारी संगठनों कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प ने शनिवार यानी 15 अक्टूबर को यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया है। इसमें भारत की रैंकिंग 107 है, पड़ोसी देश पाकिस्तान 99 नंबर पर, बांग्लादेश 84, नेपाल 81, श्रीलंका 64 नंबर पर है। और ये तमाम देश आप देख सकते हैं भारत से बेहतर स्थिति में है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, 2021 में 116 देशों में भारत का नंबर 101 था, उसी तरह से 2020 में भारत 94वें पायदान पे था, यानी कि 2020 और 2021 की तुलना में भारत बद से बदतर होता जा रहा है। और सबसे शॉकिंग बात कि हमसे श्रीलंका बेहतर स्थिति में, पाकिस्तान बेहतर स्थिति में, बांग्लादेश बेहतर स्थिति में और नेपाल बेहतर स्थिति में है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, चलिए कुछ देर के लिए मोदी सरकार की इस दलील को मान लें कि ये झूठ है, मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि मोदी सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था जो आपके स्क्रीन्स पर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने माना था कि बच्चों में 69% मौतें कुपोषण की वजह से हुई थी और इन बच्चों की उम्र 5 साल से कम थी। ये बात तो आपने खुद सुप्रीम कोर्ट में मानी है, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा क्या था जो आपके स्क्रीन्स पर आ रहा है कि 69% ऑफ डेथ्स इन चिल्ड्रन अंडर 5 years ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन एंड मैल नरिशमेंट इन द ईयर 2022, हंग्री इंडियंस गो अप फ्रॉम 19 crores टू 35 crores नाउ। खुद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि भूखे भारतीयों की जो तादाद है 19 करोड़ से 35 करोड़ बढ़ गई है। आपने खुद ही सुप्रीम कोर्ट में कहा था। और बात यहां नहीं रुकती है, कोरोना 1 और कोरोना 2 के दौरान आप खुद कह रहे हैं कि हमने 80 करोड़ भारतीयों तक मुफ्त अनाज पहुंचाया। पहली बात तो मुफ्त कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो भी आप देश के खजाने से दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने बैंक अकाउंट से नहीं दे रही है 80 करोड़ की जनता को मुफ्त अनाज। तो जब आपको 135 करोड़ की जनता में से 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज देना पड़ता है, तो इससे पता चलता है ना कि भारत में कितनी बुरे हालात हैं। तो फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर आप बहस क्यों कर रहे हैं, उससे साजिश क्यों बता रहे हैं? दोस्तों, मोदी सरकार ने आंकड़ों से लड़ाई करते हुए ग्लोबल हंगर इंडेक्स के इस आंकड़े को सिरे से खारिज कर दिया है। क्या कहा है उनकी प्रतिक्रिया आपकी स्क्रीन पर। केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए शनिवार को कहा कि वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत को 107वें नंबर पर रखना देश की छवि को खराब करने का प्रयास है। भारत की छवि को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में दिखाया जा रहा है जो अपनी आबादी की खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम को लेकर या
दुनिया भर में भारतीय मीडिया की स्थिति को लेकर हालात बद से बदतर होते हैं तब आप उसे फर्जी करार देते हो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर भी आप उसे फर्जी करार दे रहे हो। दरअसल दिक्कत क्या है, यह मोदी सरकार का अंदाजे बयां है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बच्चे ये पूछते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बद से बदतर हो रहा है, तब प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं साहब, सर्दी नहीं बढ़ रही है, हम बदल गए हैं, क्लाइमेट नहीं बदल रहा है, हम बदल गए हैं। देखिए बच्चों को प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया था। माई क्वेश्चन टू यू इज दैट वी इन असम फील वेरी कंसर्न्ड अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। सर, हाउ कैन यू हेल्प एंड गाइड अस टू प्रोटेक्ट आवर प्रिस्टीन एनवायरनमेंट? देखिए आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है, इसलिए उनको सर्दी ज्यादा महसूस होती है। तो परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं भाई मुझे पिछली बार इतनी सर्दी नहीं थी, इस बार सर्दी ज्यादा हो गई। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। और प्रधानमंत्री के इस तरह के बयानात पहले भी आते रहे, खासकर जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, उन्होंने वॉल स्ट्रीट को एक इंटरव्यू दिया था जिसकी काफी चर्चा हुई थी। उनसे सवाल पूछा गया था कि गुजरात में इस कदर लड़कियां कुपोषण का शिकार क्यों हैं? आप जानते हैं उस वक्त के मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था आपके स्क्रीन पर। गुजरात एक शाकाहारी राज्य है, ये मिडिल क्लास लोगों का राज्य है, मिडिल क्लास लड़कियां दूध पीना नहीं चाहती क्योंकि वो सुंदर दिखना चाहती हैं, लड़कियां मोटी होने के डर से दूध पीने से कतराती हैं, ये हमारे लिए चुनौती है। लड़कियां मोटा नहीं होना चाहती इसलिए दूध नहीं पीती, ये क्या बयान हुआ भला? और मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं कि आप इतने अरसे तक मुख्यमंत्री रहे, इस सोच को दूर करने के लिए आपने खुद ने क्या किया? मैंने आपको प्रधानमंत्री के दो बयान सुनाए हैं दोस्तों, दोनों ही बयान अपने आप में बहुत ही अजीब और गरीब हैं, मगर कहीं ना कहीं यह अंदाजे बयां हो गया है मोदी सरकार का इस तरह के अजीब और गरीब बयान देने का, इस तरह से मुद्दों से भागने का। और मैं आपको बतला दूं, हर बार आप मुद्दों से नहीं भाग सकते, अगर आप मुद्दों से भागेंगे तो कायर कहलाएंगे, जनता के असली सेवक नहीं बन पाएंगे, तब आप इसी तरह की हरकतें करते रहेंगे। तो जहां आंकड़ों से मोदी सरकार लगातार भाग रही है, वहीं विपक्ष पर हमला साधने का कोई मौका नहीं छोड़ती, तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार करती है और अब विपक्ष भी उन्हें जवाब दे रही है। मसलन भारतीय जनता पार्टी ने यह कार्टून जारी किया है जिसमें राहुल गांधी को शोले के असरानी के तौर पर पेश किया गया है, मगर इसमें आपत्तिजनक बात यह है कि उसमें उनकी मां का जिक्र किया गया है। अब ये ट्वीट क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का यह आपत्तिजनक ट्वीट, जिसमें यह ट्वीट कहता है, मम्मी ये दुख खत्म काहे नहीं होता, खत्म टाटा गुड बाय। दरअसल इस पूरे वीडियो में, इस कार्टून में यह बतलाया जा रहा है कि राहुल गांधी चल रहे हैं और उनके पार्टी के नेता आपस में लड़ाई कर रहे हैं। उसमें यह भी बतलाया जा रहा है कि पार्टी के नेता किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी को यह सवाल का जवाब देना चाहिए कि आप साम दाम दंड भेद से कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, उन नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं जो वंशवाद के प्रतीक हैं, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसादा, इसके अलावा कई ऐसे नेता जो 10 जनपद के सेवक माने जाते थे, मसलन गुलाम नबी आजाद, ये तमाम जो नेता हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये तमाम या तो बीजेपी में हैं या बीजेपी में आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी मजाक तो उड़ा रही है, मगर उसे इस सवाल का जवाब देना होगा कि आखिर ये नेता बीजेपी में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आपने तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही थी, अब तो आप कांग्रेस युक्त बीजेपी बना रहे हैं ना, तो इन सवालों के जवाब भी देने होंगे। अब जाहिर सी बात है, जब राहुल गांधी की मां पर हमला बोल रहा है तो कांग्रेस का जो प्रचार तंत्र है वो भी चुप क्यों रहने वाला। पार्टी के नेता हैं श्रीनिवास,
उन्होंने दो कार्टून्स जो हैं उसका इस्तेमाल किया है। इसमें श्रीनिवास बीवी क्या कह रहे हैं मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि यह भाषा आपत्तिजनक है। तुम्हारे अब्बा के वादे और उनकी औलादें कल तक दो रुपल्ली थे, अब चवन्नी रह गए हैं, खत्म, टाटा बाय बाय। दरअसल इस कार्टून में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जहां भी जा रहे हैं लोग उनको बेरोजगारी दिखा रहे हैं, महंगाई दिखा रहे हैं, और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास उसका कोई जवाब नहीं है। श्रीनिवास बीवी एक और कार्टून यहां पेश कर रहे हैं, इसमें भी वो ये कह रहे हैं पहले दो रुपल्ली थे तुम लोग, अब खौफ में चवन्नी हो चुके हो, खैर अब्बा की हरकतें देखो और आनंद लो। दरअसल यहां पर इस कार्टून में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्टून दिखाया गया है और फिर अमित शाह का कार्टून आता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो एक लड़की की जासूसी करवा रहे हैं अमित शाह से, जो गुजरात के उस वक्त के गृह मंत्री हुआ करते थे। यानी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी का मजाक कार्टून के जरिए उड़ाया, उनकी मां का जिक्र किया, पलटवार कांग्रेस ने किया और इन दो कार्टून्स का जिक्र किया जा रहा है। मुझे लगता है राजनीति में मर्यादा की जरूरत है। जब आप सामने वाले पर हमला बोलें तो कुछ मर्यादाओं का ख्याल रखें, और इन मर्यादाओं का ख्याल कांग्रेस और बीजेपी दोनों को होना चाहिए। न्यूज चक्र में बस इतना ही, अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।